आज यहाँ मोनिका मास्टर ब्लास्टर सीजन वन में फाइनल राउंड के अंदर आज मैं अपनी रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरमलाइज बनाना क्रेप, और उसको मैं केक की तरह प्रेजेंट करूँगी। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ कैरमलाइज बनाना क्रेप केक। और मेरा कोर इंग्रेडिएंट है बनाना। सो सबसे पहले क्रेप बनाने के लिए हमें एक बैटर बनाना है। ये एक कप जितना मैदा लिया हुआ है मैंने, उसके साथ टू टेबलस्पून जितना शुगर लिया हुआ है पिसा हुआ, उसके साथ मैं 1/8 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। जो कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल हो, यानी कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कॉटन सीड ऑयल लिया हुआ है। तो 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं धीरे धीरे 100 ml, सबसे पहले मैं ऐड करूँगी मिल्क। धीरे धीरे करके ऐड करना है इसके अंदर, और एक बैटर बनाना है क्रेप बैटर। उसको अच्छे से विस्क करना है जिससे लंप ना हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी ये बीट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉरी कंसिस्टेंसी जैसा आ जाना चाहिए, और थोड़ा थिन रखना है इस बैटर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्रेप का बैटर बनके रेडी हो गया है। अब हम एक, वैसे तो क्रेप बनाने के लिए एक स्किलेट अलग से आता है, क्रेप स्किलेट, पर मैं अभी एक फ्राई पैन ले रही हूँ, उसके अंदर हम क्रेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन को गर्म करेंगे। उसके अंदर हम बटर से थोड़ा ब्रश कर देंगे पैन को, ताकि वो चिपके नहीं। वैसे भी मैंने नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है। अभी ये मेरा पैन गर्म हो गया है, मैं इसको थोड़ा मीडियम हीट पर कर देती हूँ। अभी ये जो हमने क्रेप का बैटर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका पॉरिंग कंसिस्टेंसी है, हो गया है। अब मैं एक मेडल से उसको क्रेप को बनाने के लिए पैन में उसको स्प्रेड करूँगी। बस एक ही जगह डाल के फिर आप हमें ये पैन को घुमाना है, ताकि पूरा शेप आ जाए।
भी हम धीरे धीरे पैन लाइट से थोड़ा थोड़ा बटर करते जाएंगे और इसको पकाना है। धीरे धीरे ये अपनी साइड छोड़ने लगेगा। आप देख रहे हैं कि हमारा क्रेप धीरे धीरे होने लगा है और उसने पैन को छोड़ दिया है। हम इसके ऊपर भी ब्रशिंग करेंगे। क्रेप में जनरली बटर का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हमें उसको नीचे की ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तब तक मैंने इस तरह से पहले और भी क्रेप बना के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे क्रेप तैयार हो जाएंगे। सो मैंने पहले से ही हमें मैंने थोड़े बना के रखे हैं क्रेप, जिससे हम इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक ये हमारे क्रैक होते हैं तब तक हम एक अभी हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बनाना, तो हम बनाना को कैरेमलाइज करने के लिए मैं यहाँ 3 बनाना ले रही हूँ, 4 बनाना ले रही हूँ। तब तक हम बनाना को एक कैरेमलाइज करने के लिए बनाना प्रिपेयर कर देते हैं। और बटर भी हम लगा सकते हैं। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके अंदर आ जाए क्रेप में। तो हमारा ये जो क्रेप है आप देख सकते हैं बनके तैयार है। इसे मैं अलग से प्लेट में ले लेती हूँ। तो हमारा पहला कंपोनेंट बन चुका है। अब हम इसी पैन में एक दूसरा क्रेप बना लेंगे। हमें पैन को इस तरह से घुमाकर क्रैक का शेप देना है। वापस हम बटरिंग करेंगे। जब तक ये हमारे क्रैक्स होते हैं हम बनाना को चॉप कर लेते हैं। ये मैंने राइस बनाना लिए हुए हैं। मैंने 4 राइप बनाना ले लिए हैं। साथ में हम हमारा क्रेप देखते जाएंगे कि वो हुआ कि नहीं अच्छे से। जनरली ऐसे गोल्डन ब्राउन जैसा उसका कलर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तब तक ये थोड़ा और हो जाए तब तक हम यहाँ पर बनाना को थोड़ा स्लैंटिंग में कट कर लेंगे। हमारे बनाना रेडी है, क्रेप हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसे शिफ्ट कर लेंगे प्लेट में। अभी हम इसी पैन के अंदर बनाना को कैरमलाइज कर देंगे। इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जितना
बटर, और उसके अंदर हम डालेंगे हमारे जो कटे हुए जो भी बनाना है वो स्लाइस डाल देंगे। हम अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून जितना ब्राउन शुगर, जिससे ये अच्छे से कैरेमलाइज हो। मैं थोड़ा 1 टीस्पून जितना नींबू का रस कर डालूंगी और मैं पिंच ऑफ 1/8 टीस्पून जितना सिनेमन पाउडर इसके अंदर ऐड करूंगी। जैसे जैसे ब्राउन शुगर मेल्ट होगा तो एक अच्छा सा बढ़िया सा कैरेमल सॉस जैसा इसके अंदर हो जाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ब्राउन शुगर मेल्ट होने लगी है और इसमें से एक अच्छी सी बढ़िया सी फ्लेवर आ रही है, स्मेल आ रही है कैरेमलाइज होने की बहुत ही अच्छे से। देख सकते हैं अब हम मेरे पास वैसे फ्रेश वनीला पॉड्स होते हैं, मेरे पास थोड़े वनीला पॉड्स पड़े हैं तो मैं इसको छोटा सा फ्लेवर के लिए काट के इसके अंदर ऐड कर दूंगी, फिर बाद में उसको हम रिमूव कर लेंगे ताकि थोड़ा वनीला का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए बनाना में। तो फ्रेंड्स हमारा ये बनके तैयार हो चुका है, कैरमलाइज हमारे बनाना हो चुके हैं। इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम हमारी आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारी प्लेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम जो मैंने क्रैक बनाए हुए हैं पहले से उसका थोड़ा लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्रैक रखेंगे, उसके ऊपर हमारे जो कैरेमलाइज जो बनाए वो स्प्रेड करेंगे थोड़े। के साथ मैंने थोड़ी ब्लूबेरीज ली हुई है फ्रोजन, वो रखेंगे। अगेन हम दूसरा एक क्रैक रखेंगे, उसके ऊपर अगेन हम करेंगे कैरेमल बनाना का एक स्प्रेड लगाएंगे। अगेन जो मैंने क्रैक बनाएंगे उसका एक और लेयर करेंगे। वापस हम बनाना का एक लेयर करेंगे। ऐसा स्प्रेड जैसे ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगा रहे ना। अगेन मैं इसमें थोड़ा ब्लूबेरी करूंगी। हम एक और क्रेप इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा बनाना का कैरेमल जो भी है ये डालेंगे। अगेन ब्लूबेरी का एक उसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे और लास्ट में हमारा लास्ट लेयर इसके ऊपर रख देंगे और जो हमारी बनाना का कैरेमलाइज उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
अगेन डैश ऑफ ब्लूबेरी. इसके ऊपर हम थोड़ा ब्राउन शुगर स्प्रिंकल करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन. और मेरे पास अनफ्रेशनर शुगर है, उसे हम थोड़ा डस्ट करेंगे. अब हम ऐसा इसको हम कट करेंगे केक जैसे. थोड़े उसके ऊपर हम फ्रेश बनाना एक स्लीव करके रख देंगे साइड में. जिससे कि उसका फ्रेशनेस रहे. तो फ्रेंड्स, लीजिए रेडी है हमारा बनाना क्रेप केक. थैंक यू.